अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फ्राइड मसाले वाली भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आधा किलो मेरे पास भिंडी थी, उसको मैंने कट दरमियान से नहीं किया, छोटे छोटे पीसेस इसके नहीं किए, बड़ा ही रहने दिया। चार से पाँच मेरे पास प्याज हैं, मेरे पास उनको मैंने बारीक कट किया है। हाफ टेबल स्पून जो है मेरे पास सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और एक चुटकी हल्दी और हाफ टेबल स्पून जो है मेरे पास है हरी लाल मिर्च। लीमू जो है उसका काम मैं आपको एंड में बताऊंगी। हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और तीन से चार टमाटर जो हैं उनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कप ऑयल लूंगी कढ़ाई में। इसमें मैं भिंडी डाल दूंगी, इसको सबसे पहले हम फ्राई करेंगे और तब तक हम इस भिंडियों को फ्राई करेंगे जब तक ये श्रिंक नहीं हो जाती, सुकड़ नहीं जाती और इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। कम से कम इसे तीन से चार मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अच्छे से इसको हम पहले फ्राई करेंगे। हाई हीट पे, फुल हीट पर तकरीबन इसको मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी। ये देखें, तीन से चार मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई किया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से। अब हम इसी ऑयल में प्याज डालेंगे। चूल्हा मैंने बंद नहीं किया था। हल्के से जब हम है प्याज इनको सॉफ्ट होने देंगे, नरम होने देंगे इसको जरा। हीट मैंने मीडियम रखी हुई है। दो से तीन मिनट इसको नरम होने देंगे प्याज को। ये देखिए प्याज हमारे नरम हो गए हैं। इसका हम भिंडियों का जो है हम मसाला तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, एक मिनट तक इसको पकाऊंगी। ताकि स्मेल अदरक और लहसुन की जो है वो खत्म हो जाए। एक मिनट हो गया, अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। आप वैसे टमाटर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पेस्ट भी बनाए उसका। साथ ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। इतनी मज़ेदार बनती है, आप बनाएंगे तो याद करेंगे। अब मैं इसमें तीन से चार जो हरी मिर्चें मैंने कट की हुई थी वो ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैं इसलिए डाल रही हूँ तकरीबन ताकि ये फ्रेश फ्रेश में इसका कलर ना गए। अब हम इसमें भिंडी ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स करूंगी मैं इसको। हीट जो है वो मैं मीडियम से लो करूंगी। ये देखिए हमारी भिंडियां तकरीबन रेडी हैं।
मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। और इसमें जो है मैं एक लेमन ऐड करूंगी, आधा किलो भिंडियां हैं इसलिए मैं एक पीस लेमन का डालूंगी, पूरा लेमन नहीं डालना हमने, आधा हिस्सा इसका। सॉरी, चलो अब मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि लेमन जूस जो है वो सारी भिंडियों में मिक्स हो जाए। लें जी, हमारी मसाले वाली भिंडियां रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। ये देखिए हमारी मसाला भिंडी रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।